ये सारा नमक एकदम अभी करके तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। एक छोटा सा होता है काफी बहुत कड़क है दोस्तों, बहुत कड़क है दोस्तों। जो अभी भी हाथ में लिया इतना खारा खारा इतना लग रहा है ना उसको रुकने बाद। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आज आपको बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का ऐसा वीडियो होगा जो कि पहले ऐसा कभी वीडियो लाया नहीं था, जो कि मतलब आप सभी को मैं दिखाने वाला आज की इस वीडियो में दोस्तों, नमक की खेती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम आपको दिखाने वाले नमक की खेती दोस्तों, मतलब नमक कैसा बनता है खेती में और उसको किस किस तो किन किन चीज़ों के प्रोसेस लगता है उसको तैयार होने में, कैसे कितने टाइम लगता है, आज पूरा आज इस वीडियो में आप सभी को डिक्लेयर कर मतलब पूरा फाइनली बताऊंगा कि उसको बनने में कितना वक्त लगता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी को बताऊँगा, पूरा दिखाऊँगा और नमक की खेती, उसके बिना नमक के आपको कोई भी चीज़ मतलब खाना चाहो तो नहीं खा सकते, जैसे सब्जी वगैरह, दाल, चावल, सॉरी चावल में भी तो फ्राई करो तो डालना पड़ता है, लेकिन नमक हर एक चीज़ में डाला जाता है, बिना नमक के आपको स्वाद ही नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिना नमक के किसी को भी कोई स्वाद या टेस्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को दिखाते हैं नमक कैसा बनता है। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ, अभी मैं हूँ वसई गाँव में, तो आज वसई गाँव में आप सभी को नमक की खेती की दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो नमक की कैसी लगी, आपने नमक की वीडियो कभी देखे थे आप, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स। दोस्तों ये पूरा जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये पूरा नमक की खेती है। तो दोस्तों कितना कितना ढेर सारे, इसको बनने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है, आप पैसा उठाओगे तो आपको देखने के पूरा डोका डोका मिलेगा। तो ये अभी जाएगा तो मशीन में पीसा जाता है। तो दोस्तों इसको बनने के लिए खारा पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको पानी को पूरा ऐसा फैला दिया जाता है खेती में, उसको फैलाने बाद फिर या थोड़ा सा पाउडर से खींचा जाता है ताकि पानी जैसा जम जाता है, तो फिर उसको बाद खरवा जाता है, फरवा से खरो को उसको इकट्ठा करके तो गोनी में भरा जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना दूर दूर तक पूरे खेती में नमक ही नमक है। तभी इसको मैं हल्का टेस्ट करता हूँ, और आप इधर मेरे सामने देखोगे तो बहुत ढेर सारा नमक इकट्ठा करके रखा और इधर गोनी में भर भर के इकट्ठा कर दिया गया ताकि गाड़ी आएगी उसमें गाड़ी में भर के लेके जाएंगे कंपनी में, मिक्सर जैसा मशीन होता है जैसे आटा पिसाता है इसे, इसको अभी पीसेंगे तभी देखोगे तो अभी आपको ऐसा दिखेगा बड़ा बड़ा पत्थर के जैसा दिख रहा है, तभी इसको मशीन में पीसा जाएगा, तो उसके बाद पैकेट में भरा जाता है, तभी इसको पीसने बाद बारीक होगा। अभी इसको आपको ढेला डिसा देखे देखो, तो अभी इधर देख रहे हो दोस्तों, तो और नमक जमाने के लिए अभी खेते में पानी भर दिया ताकि ऐसा पानी सूखेगा, सूखने के बाद आपको कुछ उस प्रकार की दिखेगा। तभी अभी तो उधर सूख गया तो नमक जम गया, तभी इधर खेती में पानी भर के छोड़ दिया गया ताकि सूखने बाद व्हाइट एकदम हो जाएगा, जम जाएगा तो फरवा से खड़ो कर दोस्तों, मतलब इसको बनने के लिए कम से कम एक महीना की वक्त लगता है एक खेती में उसको जमने के लिए। अभी तो एक महीना से कम लगता है ताकि धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो धूप के कारण जल्दी खेती में का पानी जल्दी सूख जाएगा, तो जल्दी जमेगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो इसके लिए उसको ज़्यादा वक्त अभी नहीं लगेगा। ठंडे के मौसम में उसको वक्त लगता है, लेकिन गर्मी में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, जल्दी का थोड़ा हो जाता है, टेम्परेचर हाई है ना दोस्तों, मुंबई में बहुत गर्मी रहता है तो इसके लिए वो जल्दी जम जाता है। तो उसको फौड़े से करो के गोनी में भर के ताकि कंपनी में पहुंचाया जाता है, तो उसको पीसा जाता है मशीन से, पीसने बाद उसको काटा करके पैकेट में भरा जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हमारे पीछे कितना ढेर सारा ऐसा लग रहा है, रेत बालू इकट्ठा किया जैसा, वैसा बालू जैसे इकट्ठा किया बहुत ढेर ढेर सारा था, वो सब गमले में भर के उसको ला ला के यहाँ पर इकट्ठा करा जा रहा है। देखो भाई साहब उधर ला के रख रहे, गमले में भर के ला ला के रखते जा रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा कर रहे, जैसे बालू जैसे बटोरते। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गमले ला रहे हैं, इनका पाँव का शोर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट बैर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हो वहाँ से डोर डोर के ला के यहाँ पर रखते जा रहे हैं, वहाँ पर देखोगे तो वहाँ से एक जन ला रहे हैं, फिर वहाँ दे रहे, फिर वहाँ से यहाँ चार लोग मिल के उसको डोर यहाँ पर इकट्ठा किए, पूरा जम गया था कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, डोका डोका काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। देखो धूप में दौड़ रहा है, इतना मेहनत कर रहे दोस्तों ये लोग, आज का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है आज का, देख सकते तो धूप में ऊपर से नमक ढो रहे थे, कितना सबको मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। इधर देख सकते हो ढेर सारे इकट्ठा हो चुका है नमक,
उसको आप कमेंट करके जरूर बताना, आपको कभी लाइफ में ऐसा देखे थे नमक खेती या इतना ढेर सारे इकट्ठा नमक, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। नमक इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर पानी भर के छोड़ा हुआ है खेत में, अभी हाल में ही पानी भरा हुआ है, ताकि अब इसको बनने के लिए अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अभी इधर पूरा बना नहीं है, अभी उधर देखोगे तो आपको बहुत दूर दूर तक नमक ही नमक दिखेगा। तो अपने वसई गाँव में ही नमक की खेती होती है, अपने वसई से वसई में बनते हैं, और एक दूसरा है राजस्थान में। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पीछे बहुत ढेर सारे इकट्ठा हुआ नमक है, तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना ढेर सारा नमक है, अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो चलो सीधा टेस्ट करते हैं दोस्तों इसको। तो देख सकते हो दोस्तों हमने नमक को हाथ में ले लिया है, काफ़ी बड़ा का मात्रा में दिखते थे, गाँव में ढोका वाला नमक होता है तो उसका कुछ उस प्रकार के दिख रहे थे दोस्तों। आप देख सकते हो कितना ढेर सारा नमक है एकदम अभी, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ एक छोटा सा। काफी बहुत कड़क है दोस्तों, बहुत कड़क है दोस्तों, जो अभी भी हाथ में लिया इतना खारा खारा इतना लग रहा है ना, उसको भूखने बाद तो अभी तक और डोका डोका। तो हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको नमक वाली वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।